फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। अरे यार सुन, सेवा सर बोला, सेवा सर बोल गया तुमने। अरे अरे थैंक यू थैंक यू। अभी आपका जो हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया आपका 1000 लीटर पर मिनट आपका, ये हमें पीएम केयर फंड से आपका फंडिंग हुआ है। उसके साथ साथ फिर हमारा चिकतन में हमारा हुआ है, द्रास में, और इसी तरह से आपका हमारा जांस्कार में भी। तो आज के डेट में अगर हम ये कहें कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ सॉरी कोविड हॉस्पिटल पे ही हमारा 2000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन जो हमारे पास प्लांट है, तो इससे हमें आज के डेट में हम अगर ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिहाज में जो है कारगिल काफ़ी मतलब बिल्कुल सफिशेंट हुआ है। ये हो गया हमारे ऑक्सीजन प्लांट, इसके अलावा आपके ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके अलावा, तो इसके लिए हम जो हैं पूरा हाईली थैंकफुल फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हम बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने अपने पीएम केयर फंड से जो है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ज़रूरत है वहां पे ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किए हैं। और जैसे कि हमें मालूम है कि कोविड का अभी हमारे पास हार्डली एक्टिव कोई 4 केसेस हमारे पास हैं, तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि कोविड जो है काफ़ी हद तक हमारा एक करगिल में कंट्रोल में है। और सेकंड वेव में भी हमने देखा कि काफ़ी हद तक हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इनसे जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया कोविड को कंट्रोल करने में। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी तैयारी चल रही है, ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव अगर होगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसके साथ भी काफ़ी डट के जो है चैलेंज के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये आपका पेंडेमिक, आपको पता है कोविड में जो मोस्ट जो रिक्वायरमेंट होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है आपका, तो ऑक्सीजन जो है वो एक अहम ज़रूरी होता है। और चूंकि हमारा हाई ऑल्टीट्यूड पे है और विंटर्स भी आने वाले हैं, तो ऑक्सीजन की जो है अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं हुआ तो ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर अभी कोविड पर ही 2000 जो हमारा कैपेसिटी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और बाकी हमारे पेरिफेरीज में जो इंस्टॉल हुआ है, तो इससे जो है पूरे आवाम को जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, चाहे वो दूर हमारे चिकतन हो, सांको हो, द्रास हो, या आपका जांस्कार, वहाँ पर भी आपके इंस्टॉल हुए हैं और हमारी एनएचपीसी ने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो उस हिसाब से हमारे जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी जो है करगिल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई अपने ही सेंटर्स पर मिलेगी। तो ये अल्टीमेटली विंटर को भी देखते हुए हमें जो है लगता है कि पूरे आवाम को है काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा पर्टिकुलरली हम ऑनरेबल पीएम साहब के बहुत ही मशहूर।